हेलो गाइस एंड वेलकम टू अमनदीप क्रिएशंस यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम बात करेंगे प्योर एंड ऑथेंटिक एस आर्म्स MK2866 सप्लीमेंट की। MK2866 का एक और नाम है एस आर्म्स या सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टिव मॉड्यूलेटर एनाबॉलिक रॉयड की तरह काम करता है। वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच करें ताकि आप इसके बेनिफिट्स, डोजेज और रिजल्ट्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जान पाएँ और एक कंक्लूजन पर पहुँच पाएँ कि आपको इसे लेना चाहिए या नहीं। बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में ये सप्लीमेंट बहुत पॉपुलर है, बट ये जानना भी ज़रूरी है कि एस आर्म्स ह्यूमन यूज़ या कंजप्शन के लिए अप्रूव्ड नहीं है, बट तब भी बहुत से बॉडी बिल्डर्स इसे यूज़ करते हैं मसल बिल्डिंग और ग्रोथ बढ़ाने के लिए। MK2866 में कुछ एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब कि इसका कम इन्फ्लुएंस है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की डेवलपमेंट और बैलेंस के लिए। MK2866 मसल वेस्टिंग प्रिवेंट करता है और मसल ग्रोथ एनकरेज करता है, और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है रिगार्डिंग दिस जब इसे एनाबॉलिक रॉयड से कंपेयर किया जाए, क्योंकि ये भी मसल मास डेवलपमेंट स्टिमुलेट करता है और इसके नेस्टी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि एस आर्म्स MK2866 रॉयड है या नहीं। MK2866 जिसे इनोबो एस आर्म्स भी कहते हैं, एक सिलेक्टिव एंडोजेनिक रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है और ये एस आर्म्स रॉयड हार्मोन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है जो टेस्टोस्टेरोन की तरह काम करते हैं। साइंटिस्ट की स्टडी ये बताती है कि ये टिपिकली रॉयड्स की तरह नहीं है। एस आर्म्स स्पेसिफिक बॉडी टिश्यूज जैसे कि मसल्स या बोन्स को टारगेट करता है और इसी वजह से इसके साइड इफेक्ट्स लिमिटेड हैं। गाइस आज हम बात करेंगे रॉ रेज प्योर एंड ऑथेंटिक एस आर्म्स MK2866 सप्लीमेंट की, और इसके एक से ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये लीन गेनिंग करने में, फैट लॉस में, स्ट्रेंथ बढ़ाने में, फास्ट रिकवरी में और मसल्स को ड्राई लुक देने में हेल्प करता है। रॉ रेज MK2866 सप्लीमेंट आपको बाकी एनाबॉलिक रॉयड्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और अनावर जैसे इफेक्ट्स दे सकता है। रॉ रेज MK2866 एस आर्म सप्लीमेंट कैप्सूल्स फॉर्म में आता है। इसके 90 कैप्सूल्स के पैक की कॉस्ट 2799 रुपीज़ है। आप इस सप्लीमेंट को rawrage.in वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। साइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप लिंक क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और अभी इस पर सेल चल रही है और ये आपको 1899 रुपीज़ में मिल जाएगा। प्लस आप इसकी लैब रिपोर्ट भी इस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। MK2866 सप्लीमेंट को मैन एंड वुमेन दोनों ले सकते हैं। ये सिग्निफिकेंट अमाउंट में लीन मसल मास, स्ट्रेंथ लेवल्स को हाई एक्सटेंट तक बढ़ाने में, फास्ट रिकवरी में और मसल्स को हार्ड और ड्राई लुक देने में फ़ायदेमंद है। रॉ रेज MK2866 एस आर्म सप्लीमेंट का सर्विंग साइज़ है 3 कैप्सूल्स और इसके एक पैक से 30 सर्विंग्स मिल जाती हैं। इसके हर एक कैप्सूल में 10 mg MK2866 और 490 mg ग्लूटामीन अवेलेबल है। चलिए अब ये जानते हैं कि इस एस आर्म्स को कब और कैसे लिया जाए। अगर आप लीन मसल मास बिल्डिंग करना चाहते हैं और गुड और क्वालिटी मसल मास पाना चाहते हैं, देन आप इसे ले सकते हैं। आप मसल मास बिल्डिंग के लिए इसकी 10 mg डोज को ब्रेकफास्ट मील के बाद और 10 mg डोज को वर्कआउट से पहले ले सकते हैं विद वाटर, और एक एडवांस ट्रेनिंग की भी नीड होगी। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी आप इसकी 10 mg डोज दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं और 10 mg डोज वर्कआउट से पहले ले सकते हैं, और इसकी 30 mg तक ही डोज कंज्यूम करें, उससे ज़्यादा डोज नहीं लें। इसे लेने के साथ एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल को भी फॉलो करें। प्रॉपर माइंडसेट के साथ जिम में इंटेंस वर्कआउट करें ताकि आपके मसल पंप अप और सोर फील करें आफ्टर वर्कआउट। सुपर सेट्स, ड्रॉप सेट्स, जॉइंट सेट्स, पिरामिड ट्रेनिंग, स्लो नेगेटिव्स और रेस्ट पॉज एक्सरसाइज वेरिएशंस को भी फॉलो करें टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स। वैसे बहुत से बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स ये क्लेम करते हैं कि एस आर्म सिग्निफिकेंट मसल मास और परफॉर्मेंस गेंस प्रोवाइड करता है कम रिस्क के साथ, बट इन रियलिटी एस आर्म्स की सिलेक्टिविटी थ्योरी कम्प्लीटली फॉल्स है, क्योंकि कुछ रिसर्चेस का ये मानना है कि एस आर्म्स माइट बी सेफ है देन रॉयड्स, बट ये कितना सेफ है इसके रिलेटेड डाटा बहुत कम है। मे बी इसके यूज़ से आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इसी की वजह से ह्यूमंस के लिए ये अप्रूव्ड नहीं है और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इसे बैन किया है अंडर SI एनाबॉलिक एजेंट कैटेगरी। बॉडी बिल्डर्स बल्किंग फेज में MK2866 का 3 से 8 वीक्स का साइकिल फॉलो करते हैं विद 15 to 25 mg डोज ए डे, और बॉडी बिल्डर्स इसे स्प्लिट डोज में लेते हैं। कटिंग में इसे 4 to 8 वीक्स के साइकिल में लिया जाता है विद 15 to 20 mg डोज ए डे, और एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर्स इसके साइकिल के बाद 3 to 4 वीक्स की PCT भी फॉलो करते हैं। टेक्निकली आप इसे लीगली ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, बट प्रोफेशनल स्पोर्टिंग और कम्पीटिंग वर्ल्ड में ये इलीगल ड्रग है, इसी वजह से प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में ये बैन है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कुछ स्टडीज़ ये बताती हैं कि एस आर्म्स MK2866 के बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि ये आपके एस्ट्रोजन लेवल्स को ज़्यादा नहीं बढ़ाता, बट इसके यूज़ से
हेडेक्स, नोजिया, एक्ने, स्लीप इश्यूज जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो, इसे एक एक्सपीरियंस पर्सन की देखरेख में ही किया जा सकता है। सो गाइज, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एस आर्म्स MK2866 सप्लीमेंट विद इट्स बेनिफिट्स, रिजल्ट्स एंड डोजेज। गाइज, अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। टिल देन, स्टे फिट एंड स्टे हेल्थी।